नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, भारत सरकार द्वारा यूडीआईडी कार्ड जारी किया जा रहा है, जिसका कि काम 2016 से प्रारंभ हो गया था और 2017 के उपरांत ये कार्ड बनने लगा। इसके लिए हमने एक पोर्टल बनाया था जिसका नाम है स्वावलंबन कार्ड पोर्टल। इस पर काफ़ी सारे आवेदन हमारे दिव्यांगजनों के द्वारा डाला जाता है और इसको प्रोसेस किया जाता है इस पोर्टल के माध्यम से। और अभी तक जो है 50 लाख कार्ड इस पोर्टल के माध्यम से बन चुका है और इसका कार्य जो है काफ़ी सुगम रूप से चल रहा है। इस पर एक अक्सर शिकायत हमें जो प्राप्त होती है वो होती है कि बहुत सारे दिव्यांगजन भाई इस पोर्टल के माध्यम से अप्लाई किए हैं लेकिन उन्हें कार्ड नहीं मिला है या उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं बना है। इस पूरी प्रक्रिया में बेसिकली जो है ये दो स्तर में होता है। पहला तो होता है कि ये जो पोर्टल है, ये पोर्टल को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा बनाया गया है और इसको मेंटेन किया जाता है। और जब कोई अप्लाई करते हैं इस पोर्टल के माध्यम से तो उनका सारा वेरिफिकेशन किया जाता है, डॉक्यूमेंट्स लिया जाता है और एक बार जब उनका सब कुछ सही पाया जाता है तो उनको एक एनरोलमेंट नंबर दे दिया जाता है। वो एनरोलमेंट नंबर जैसे ही दिव्यांगजन को मिलता है तो वो एप्लीकेशन ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू ही जो है उनके कंसर्न चीफ मेडिकल ऑफिसर जो उनके एरिया के हैं, जहाँ पर उसने अपने फॉर्म में एड्रेस भरा है, उनके ऑफिस में वो एप्लीकेशन पहुंच जाता है इमीडिएटली। उस पर कोई विलंब नहीं होता, वो पोर्टल के थ्रू ही जाता है, उस पर कोई फिजिकल इंटरेक्शन नहीं होता है। एक बार जब वो सीएमओ ऑफिस पहुंच गया तो सीएमओ ऑफिस उसकी स्क्रूटनी करते हैं एप्लीकेशन की, वो देखते हैं कि हाँ वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं हैं, उसी के एरिया के हैं कि नहीं हैं। अगर उनको कोई त्रुटि लगता है या कोई उनको और कुछ किसी तरह की ये होती है तो वो फिर कम्युनिकेशन करते हैं कंसर्न दिव्यांगजन से और उस तरह का डॉक्यूमेंट मंगवा लेते हैं। एक बार जब सारा डॉक्यूमेंट ओके हो जाता है तो फिर जो है सीएमओ ऑफिस को उनको असेसमेंट के लिए बुलाना पड़ता है, क्योंकि या इस प्रक्रिया में असेसमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। जिनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पहले से भी बना हुआ है या जो नया बना रहे हैं, दोनों का असेसमेंट होगा। बहुत लोग दिव्यांगजन ये समझते हैं कि हमारा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पहले से बना हुआ है तो मुझे असेसमेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस पे जो है ये सीएमओ पे डिपेंड करता है कि वो अपना पुराना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देख के उनको लगता है कि अगर इन्हें असेसमेंट का ज़रूरत नहीं है तो वो ना भी बुला सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें लगता है कि हाँ असेसमेंट की ज़रूरत है तो फिर वो असेसमेंट के लिए बुलाएंगे। तो उनको एक असेसमेंट का डेट दिया जाता है। उस पर असेसमेंट का डेट देने में कभी कभी विलंब होता है, क्योंकि ये एक टीम ऑफ डॉक्टर्स के द्वारा असेसमेंट किया जाता है और वो टीम को गठित करना और उस दिन में उनको वहाँ उपस्थित रहना, सबकी उपस्थितता को सुनिश्चित करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। जब एक बार जब वो असेसमेंट हो जाता है, असेसमेंट के लिए बुलाया जाता है, तो फिर उनका असेसमेंट टीम ऑफ डॉक्टर्स करती है। जब वो टीम ऑफ डॉक्टर्स उसका असेसमेंट कर लेती है तो उसके बाद जो है वो अपना असेसमेंट रिपोर्ट बनाती है। इस पर सारे डॉक्टरों का मत लिया जाता है और उसके बाद उनका जो एक फाइनल कंक्लूजन आता है वो कंक्लूजन बनाया जाता है और उसके बाद उसको अप्रूवल के लिए सीएमओ के पास भेजा जाता है। जब सीएमओ से एक बार वो अप्रूवल हो जाता है तब फिर वो सीएमओ ऑफिस में ही वो सारे जो असेसमेंट रिजल्ट्स हैं उसको जो है अपलोड किया जाता है फिर से दिव्यांगजन स्वावलंबन पोर्टल में। और जब वो स्वावलंबन पोर्टल में जब एक बार जब अपलोड होता है तब जाके उसको जो है हम लोग एक बार फिर अपलोड करते हैं ड्राफ्ट फॉर्म में इस डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को, ताकि इस पर अगर कोई त्रुटि हो तो उसको पॉइंट आउट किया जा सके। और 7 दिन के बाद अगर किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं उस पर जताई जाती है तो फिर उसको जो है हम लोग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को फाइनल कर देते हैं और वो उसको पोर्टल में अपलोड कर देते हैं। एक बार जब पोर्टल में वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड हो जाता है तब फिर जो है यूडीआईडी कार्ड बनाने की प्रक्रिया पोर्टल के द्वारा की जाती है और यूडीआईडी
जो भी प्रिंटिंग एजेंसी है उसको ये रिक्वेस्ट भेजा जाता है कि आप अभी इस यूडीआईडी कार्ड को जो है छपवाइए, और छपवा के फिर उसको जो है दिव्यांगजन को भेजिए। अभी कोविड पीरियड में जो है थोड़ा सा प्रिंटिंग का काम, चूंकि लॉकडाउन चल रहा था और बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं प्रिंटिंग में, और रोस्टर ड्यूटी चल रहा है प्रिंटिंग के स्टाफ का, तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा विलंब देखा जा रहा है। हालांकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो भी पुराने जितने भी डिसेबिलिटी कार्ड बने हैं उसको जो है सुनिश्चित और सुचारू रूप से दिव्यांगजनों को पहुंचाया जाए। इस उपलक्ष्य में हम लोग और एक कोशिश ये कर रहे हैं कि अभी ये देखा गया है कि डाक विभाग के द्वारा जो है इंडिविजुअल कार्ड जो हम लोग पहले जनरल डाक के थ्रू दिव्यांगजन को भेजते थे, उस पर काफ़ी विलंब हो रहा था और बहुत दिव्यांगजन को मिल भी नहीं रहा था, वो कहीं बीच में खो जाता था, क्योंकि ये एक जनरल पोस्ट से भेजा जाता है, कोई रजिस्टर्ड पोस्ट से नहीं भेजा जाता है, तो इसके लिए इसके बाद कोई इसका ट्रेसेबिलिटी भी नहीं रहता है, पता भी नहीं चल पाता था कि कहाँ पर ये कार्ड खोया है। इसके लिए हम लोग ने अभी एक कुछ स्टेट्सों से संपर्क किया और 14-15 स्टेट्स ने ये अभी अपनी हामी भरी है कि आप बल्क जो है हमारे कार्ड्स जो हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को दे दीजिए, और वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो है वो उनको दिव्यांगजनों को फिर से वो कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो अभी हम लोग करीब 16-17 स्टेट में ये जो कार्ड डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को भेजना शुरू कर दिए हैं, और वो जो है वहाँ के दिव्यांगजन जो हैं वो उन स्टेट्स में अपने डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर से संपर्क करें और उस कार्ड को लेने की प्रक्रिया करें। जब वो पोर्टल में देख लें कि हाँ ये कार्ड जो है उनके डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को भेजा गया है, इस पोर्टल में ये भी जानकारी उपलब्ध कराई गई है कि अगर वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास जाता है तो पोर्टल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का नाम बताती है कि ये डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को भेजा गया है, और अगर वो इंडिविजुअल दिव्यांगजन को भेजा गया तो वो लिखा रहता है कि ये दिव्यांगजन के पास डायरेक्टली भेजा गया है। तो उसी हिसाब से आप पोर्टल में देखें, और उसी हिसाब से अगर आपको भेजा गया तो आप डाकघर जाएं, और अगर आपके बल्क में अगर आपके डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को भेजा गया है तो आप वहाँ के वेलफेयर ऑफिसर या दिव्यांगजन ऑफिसर जो हैं उनसे संपर्क करके उस कार्ड को लेने की व्यवस्था करें। तो ये जो है एक हमने एक इस व्यवस्था को सुचारू करने का कोविड में ट्राई किया, क्योंकि जनरल जो पोस्ट है उस पर काफ़ी दिक्कत आ रही थी, काफ़ी विलंब आ रही थी, तो इसीलिए हम लोग ने अभी ये किया स्पीड पोस्ट के थ्रू डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को भेजने का। इसके अलावा जो अत्यंत विलंब हो रही है तो हम लोग CMO लोग को भी रिक्वेस्ट करते हैं बीच बीच में कि आप लोग जो है इनकी इनके कार्ड को जो है बनाइए, या फिर जो है तेज गति लाइए इस पे जो है, अगर कोई किसी दिव्यांग भाई को अगर काफ़ी विलंब हो गया है तो वो अपने दिव्यांगजन अपने जो CMO ऑफिस है वहाँ पर जाके उनको संपर्क करें, उनसे अनुरोध करें कि ऑलरेडी जो है ये काफ़ी विलंब हो चुका है और उनको जो है सहायता या किसी तरह की जो है कोई योजना का लाभ लेने में प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि ये कार्ड नहीं है, तो उनको CMO ऑफिस को रिक्वेस्ट करके अपना असेसमेंट जल्दी करवाने का कष्ट करें। इससे जो होगा कि एक बार अगर असेसमेंट हो जाएगा तो ये प्रक्रिया जो है ऑटोमेटिक रूप से फिर स्वावलंबन पोर्टल के द्वारा कार्ड बनने का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनने का शुरू हो जाता है और आप तक ये पहुँच जाता है। इस क्रम में अभी हमने एक और सुविधा दिव्यांगजनों भाइयों को देने का शुरुआत किया है, जिससे कि जो ये समस्या हो रही थी कि उनको जो है डाक विभाग द्वारा कार्ड गुम हो जा रहा था या नहीं मिल रहा था, तो अब हमने एक डिजी लॉकर की व्यवस्था शुरू करने का आरंभ किया है और ये बहुत जल्द ही जो है शुरू हो जाएगा। इसके द्वारा जो भी दिव्यांग भाई बहन हैं वो एक डिजी लॉकर अपना जो है खुलवा लें, इस पर जो है वो आधार के थ्रू ये जो है अपना डिजी लॉकर खुलवा सकते हैं। इस पर जो है एक बार जब डिजी लॉकर खुल जाएगा तो वहाँ पर आपके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और UDID कार्ड दोनों को डाउनलोड करने की सुविधा है, और ये सुविधा के थ्रू वो जो है डायरेक्टली डिजी लॉकर से अपने UDID कार्ड और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को डाउनलोड करके अपने मोबाइल पर हमेशा के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। और ये जो है कार्ड ऑलरेडी वेरीफाइड कार्ड होती है, तो आप जो है इसको जो है इस पर लिखा रहता है कि डीजी वेरीफाइड, तो ये आप कहीं भी जो है इसको यूज़ कर सकते हैं या किसी भी एजेंसी को दे सकते हैं
जो कि इसको आराम से वेरीफाई कर सकती है डिजी लॉकर के वेरिफिकेशन के थ्रू, या QR कोड भी उस पर रहता है उसके थ्रू भी। तो ये एक फैसिलिटी दिया गया है दिव्यांग भाई बहनों को। मैं अनुरोध करता हूँ सर कि ये इस फैसिलिटी का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और ये एक डिजिटल इंडिया की जो एक इनिशिएटिव है इसको सफल बनाएं। धन्यवाद।